बताते चले, चार दिनों से लापता पुरखोपट्टी की लापता जो दूसरी लड़की थी उसकी भी लाश उसी ईंट के भट्टी के नजदीक दूसरे गड्ढे में पाई जाती है। आपको बताते चले, वहां के लोगों ने रास्ते को जाम कर दिया है। घटना है दरभंगा जिले के बहादुरपुर थाना क्षेत्र के पुरखोपट्टी गांव में। उस समय सबसे ज्यादा सनसनी मची थी मंगलवार को, जब पहली लाश मिली थी 15 वर्षीय विवाह कुमारी की, जो जोगेंद्र यादव की पुत्री थी। वहीं आज आपको बताते चले, प्रदीप यादव की पुत्री गुणवती की भी लाश मिल चुकी है, जिससे पूरे इलाके में ज्यादा सनसनी फैल गई है कि आखिर चार और पांच दिन से लगातार उसी जगह से एक एक करके दोनों लड़कियों का लाश मिलना कहीं ना कहीं शक के दायरे में। ईंट के भट्टी के तमाम लोग भी आते हैं, अब देखना है कि पुलिस प्रशासन अपनी कार्रवाई में क्या रिपोर्ट दर्शाती है। वहीं आपको बताते चले, भाकपा माले जिला कमेटी सदस्य सह जिला परिषद प्रतिनिधि हरि पासवान ने वहां के लोगों के साथ मिलकर रास्ता जाम कर दिया है और न्याय की मांग करे। उन्होंने पत्रकारों को क्या कहा, आइए सुनते हैं। आती थी वो सब दिन आती थी, और ये चौर जो है आपको दुकली पुरखोपट्टी जीवर चंदनपट्टी का ये चौर है, इसी में सब लोग आते हैं अपना घास लेने के लिए। और इस लड़की की जो हत्या हुई है, हमने कल भी आए थे और हमने देखे थे उस लड़की को भी, अभी गुणवंती को भी देखा। इसके साथ मनचले अपराधियों ने छेड़छाड़ करने की प्रयास किया होगा, और जब हल्ला होने पर इस लड़की के साथ मुझे जो देखने से प्रतीत होता है कि इसको बलात्कार करके उसको साख छुपाने के लिए ये दोनों लड़की की जो है बलात्कार करके हत्या कर दी गई। जब ये 15 तारीख की लड़की घर नहीं पहुंची तो योगेंद्र यादव ने बहादुरपुर थाना पर जा करके गुमशुदी अपहरण का जो है FIR भी माने कि बहादुरपुर थाना में दिए। मैं कहना चाहूँगा कि अगर दरभंगा की पुलिस और बहादुरपुर की पुलिस अगर तत्पर दिखाती, अगर सक्रिय अगर होते, तो आज जो है विवाह कुमारी और गुणवंती की जो है बलात्कार करके जो है हत्या नहीं होती, उसको जो है खोजबीन करके उसको रिकवरी भी किया जा सकता था। वो आज जो ये दृश्य दिखाई दे रहा है ये नहीं होता, ये बहुत चिंता की बात है। और मैं कहना चाहूँगा ये कहीं ना कहीं पुलिस और अपराधी का जो साठगांठ है, जो गठजोड़ है, आज उसी का प्रतीत है कि उसको जो है अगर 15 तारीख को खोजबीन किया जाता तो आज ये हत्या नहीं होती। और मुझे कल आए तो पता चला कि दो लड़का एक मोटरसाइकिल से दोकली के रास्ते आया, और यहाँ जो माने लोग भट्टा पर काम करने वाले लोग हैं वो देखा कि लड़की के साथ वो लोग जो है माने जास्ती कर रहा था, लड़की हल्ला भी कर रही थी। जब शाम हो रहा था, धुंधुला मन पड़ गया था, उस धुंधुला को जो है फायदा उठा करके वो लड़का ने उसको हत्या कर दिया गया। जो CCTV कैमरा में कैद है वो दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन दो लड़का और मोटरसाइकिल का दृश्य दिखाई दे रहा है। लौटते समय जो है वो लड़का कहीं जो है CCTV कैमरे में कैद नहीं हुआ, ये संदेह की बात है। मैं तो कहूँगा कि उच्च स्तरीय जांच कराया जाए, और मैं कहूँगा कि जो बहादुरपुर के जो थाना प्रभारी दोषी हैं उनको निलंबित किया जाए, उनको जो है बर्खास्त किया जाए, उन पर कार्रवाई करने का कार्रवाई किया जाए। मैं ये जिला प्रशासन से मांग करता हूँ। आए दिन इस इलाके में अपराधियों का जो है बहुत बोलबाला हो चुका है, अब पुलिस प्रशासन सोई हुई है। मैं कहना चाहूँगा कि उस मृत परिवार को सरकारी सहायता से 4-4 लाख रुपया दिया जाए, और हमने कल अंचलाधिकारी को भी फोन करके कहे, आज आए हैं, ये स्वागत जन है कि मृत परिवार को अभी जो 4 लाख का चेक दिया जा रहा है। लेकिन हमने कहा है कि अगर 12 घंटा के अंदर अपराधियों को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा तो कल हम लोग SP साहब के